हमारे यहां तीर्थ क्षेत्र कैसे होने चाहिए, संप्रदाय आस्था परंपराएं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस विषय में जितना अध्ययन होना चाहिए दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। आज विश्व में उत्तम प्रकार की बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कैसी चल रही है उसकी तो चर्चा होती है, उसका रैंकिंग भी होता है, देश के बड़े बड़े मैगजीन भी उसका रैंकिंग करते हैं। लेकिन आज मैं जब धर्मस्थल जैसे पवित्र स्थान पर आया हूं तब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के श्री चरणों में पहुंचा हूं तब मैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीयों से निमंत्रण देता हूं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को निमंत्रण देता हूं कि हम अस्पतालों का सर्वे करते हैं, उनकी कार्यशैली का अध्ययन करते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेजों का रैंकिंग करते हैं, कॉमर्स कॉलेजों का रैंकिंग करते हैं, भांति भांति प्रकार के रैंकिंग की चर्चा भी होती है। लेकिन समय की मांग है, सदियों से हमारे देश में हमारी इस ऋषि मुनि परंपरा ने किस प्रकार से संस्थाओं को बनाया है, किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार संक्रमण कैसे किया है, उनकी निर्णय प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रेशन को किस प्रकार से उन्होंने अपनत्व किया हुआ है, युगानुकूल परिवर्तन कैसे लाए हैं, समय और काल के अनुसार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने इस संस्थाओं की प्रेरणा को जीवंत कैसे रखा है। और मैं मानता हूं हिंदुस्तान में ऐसी एक दो नहीं, हजारों संस्थाएं हैं, हजारों आंदोलन है, हजारों संगठन है जो आज भी कोटि कोटि जनों के जीवन को प्रेरणा देते हैं, स्व से निकल करके समष्टि के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। और उसमें धर्मस्थल 800 साल की विरासत ये अपने आप में एक उदाहरण है। अच्छा होगा दुनिया के यूनिवर्सिटीज भारत के ऐसे आंदोलनों का अध्ययन करें, देखें दुनिया को आश्चर्य होगा कि हमारे यहां क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे व्यवस्थाएं चलती थी, समाज के अंदर आध्यात्मिक चेतना की परंपरा को कैसे निभाया जाता, हमारे भीतर जो सदियों से पली अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों के प्रति गर्व करते हुए समयानुकूल और अच्छे बनने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने होता है। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ आस्था तक सीमित न रहते हुए उसके वैज्ञानिक तौर तरीकों की तरफ भी देश की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की आवश्यकता है।